हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नेहा डोंगावकर है और वेट लॉस के लिए जितनी भी वीडियो है उसमें मैं और एक वीडियो ऐड कर रही हूँ आज की बेली फैट कैसे कम करना है। ये सबका सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस करते हैं, सब जगह का फैट रिडक्शन होता है, वेट लॉस होता है, लेकिन बेली फैट का नहीं होता है। तो वही सब सोचते हैं कि बेली फैट कैसा कम करना चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं हम कि बेली फैट बढ़ने की ज्यादातर क्या वजह है, क्या कारण है कि ज्यादातर बेली फैट ही, जब से जैसा वेट गेन होता है तो बेली फैट ही बढ़ता है। तो उसकी बहुत सारी वजह होती है। पहला तो एक ये है कि हम ज्यादातर सीटिंग पोजीशन में बैठते हैं। अगर जिनका ज्यादा सीटिंग होता है, आजकल आईटी में जो भी लोग काम करते हैं उनका बेली फैट बहुत ही कम उम्र में, मतलब 20-22 साल में भी उनको बेली फैट दिखता है, तो उसकी एक ही वजह है कि वो सिटिंग में बैठते हैं। दूसरा होता है कि बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं आप, प्रोसेस शुगर का मतलब मीठा अगर ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी बेली फैट बढ़ता है। और तीसरा जो कारण है कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हो। अगर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं तो जब भी कभी आप सोचते हो, कुछ एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस लेते हो, तो कॉर्टिजॉल लेवल बढ़ता है। अगर कॉर्टिजॉल ज़्यादा सिक्रेट हुआ तो इससे सिस्टेमिक नर्वस सिस्टम डाउन होती है और उसके बाद जो भी फैट होता है वो बर्न नहीं होता है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ ज़्यादा खा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस है तो फिर भी उनका वेट भी बढ़ता है, बेली फैट भी बढ़ता है। और चौथा है कि अगर आप ज़्यादातर कम लेट सोते हो और बहुत कम नींद लेते हो, अगर स्लीप कम है तो उसकी वजह से भी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई तो फिर उससे भी फैट बर्न नहीं होता है। तो आप देखिए अपने लाइफस्टाइल में ये चार चीजों में से कौन सी चीज आपके इसमें हो रही है, या चारों चीजें एक साथ हो रही है तो उसकी वजह से आपका बेली फैट बढ़ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि बेली फैट कम कैसे करना है। उसके लिए हमको कुछ लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा। सबसे पहले तो आपका जो डाइट है तो वो डाइट में आपको फाइबरस फूड ज्यादा खाना होता है। फाइबरस फूड ज्यादा खाने की वजह क्या है कि फाइबरस फूड खाने से आपको जल्दी पेट भरा हुआ लगेगा और बहुत जल्दी, मतलब आप बाकी का डाइट जो है वो कम लेंगे, तो उससे फाइबरस फूड खाने से आपका जो इंटेक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इंटेक कम होने की वजह से आपको बेली फैट कम करने में मदद मिलेगी। तो आपको फाइबरस फूड कितना लेना चाहिए, अगर लेडीज है तो वो 25 ग्राम से 30 ग्राम, और जेंट्स है तो उसको 40 ग्राम तक फाइबरस फूड रेगुलर आपके लंच मतलब मील में होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप प्रोसेस फूड खाते हो जैसे कि कुरकुरे वेफर्स, तो ये प्रोसेस फूड से जो है ये फैट अनहेल्दी फैट होता है तो वो आपको कम करना है, तो उसके लिए भी इसको आपको अवॉइड करना है। तीसरी चीज, आप अगर लेट नाइट डिनर करते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, उससे भी बेली फैट बढ़ता है। कैसे, बहुत सारे लोग दिन भर काम करके रात को एकदम दबा के खाते हैं कि चलो भाई अभी आराम से खाना खा लें। अगर आप इतना ज्यादा डाइट करोगे तो उसके बाद हम तो सो जाते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो अपनी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि एकदम एक्शन में आ जाती है। तो जब बॉडी एक्शन में आ जाती है तुरंत, तो वो जब एक्शन में आती है तो बहुत सारा शुगर उससे तैयार होता है बॉडी में, लेकिन वो शुगर जो तैयार होता है वो तो यूटिलाइज ही नहीं होता है। जैसे कि हम बोले कुछ अचानक से सामने कोई आ गया हमको मारने के लिए दौड़ रहा है, हम उसके पीछे एकदम जोर से वो हमको मारेंगे इसलिए फास्ट भागते हैं। अगर ऐसे मोड में हमारा बॉडी आ जाता है तो जो भी शुगर ज्यादा सिक्रेट होती है वो सब बर्न हो जाती है, तो उसकी वजह से उसका फैट बनता नहीं है। लेकिन अगर हम रात में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और देर से खाते हैं और फिर सो जाते हैं तो ये जितना भी शुगर बढ़ता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। और वो फैट सबसे ज्यादा कहाँ डिपॉजिट होगा, हमारे एब्डोमेन पे, मतलब बेली पे वो फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है। इसलिए लेट नाइट खाना अवॉइड कीजिए और रात को कभी भी लाइट डिनर करना चाहिए,
तो हम जैसे पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं कि रात को जल्दी खाना खाना चाहिए, तो ये जल्दी खाकर सोना जो पहले लोगों की आदत थी, तो देखो उनको बेली फैट नहीं रहता था, बहुत सारा पेट फूला हुआ, ऐसे लोग दिखते ही नहीं थे। तो उसकी साइंटिफिक रीजन ये है, ये आपको रेगुलर करना चाहिए। और चौथी चीज जो है, ये आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको स्ट्रेस आता है तो उसका वो स्ट्रेस जो आपके बॉडी पे असर करता है, जैसे मैंने बोला कि कॉर्टिसोल ज्यादा सिक्रेट होता है, तो वो नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन, प्राणायाम सबसे बेस्ट। अगर आप प्राणायाम करोगे रेगुलर तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल कम हो गया तो आपका फैट तैयार होना कम हो जाएगा। और बाकी डाइट में क्या लेना है, पांचवी चीज, आपके डाइट में ज्यादातर प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन किस में रहता है, बहुत सारे पल्सेस और लेंटिल्स, ये सब आप रेगुलर लेते हो, जैसे राजमा, चना, ये चीजें आप रेगुलर डाइट में लेती हो, तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन लेने की वजह से उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल होती है, और वो इस्तेमाल होने की वजह से फैट कट हो जाता है, फैट तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए आप डाइट में प्रोटीन डाइट ज्यादा रखिए, तो ये एक अच्छी चीज है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको स्लीप अच्छी लेनी चाहिए। आपका अगर स्लीप अच्छा है और क्वालिटी स्लीप हो, तो आपका जो फैट तैयार होने की जो प्रोसेस होती है उसको वो कट डाउन करता है। और इस तरह से अगर आप बेली फैट कम करने के लिए डाइट करोगे और लाइफ स्टाइल में चेंज करोगे, तो आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, अगर ये 15 दिन भी आप करके देखें तो आपको बेली में बेली फैट कम हुआ, आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि कम हुआ नजर आएगा। थैंक यू।